सो दोस्तों आज मैं बताऊंगा कि ओलिविया के ब्लीच का यूज करके आप गोरे कैसे हो सकते हो। तो बहुत ही डिमांडिंग वीडियो है, क्योंकि ये एक मेरे इंस्टाग्राम पे जो भी मेरा एक भाई है, या फिर आप सब्सक्राइबर जितने भी हैं मेरे, सब भाई बहन दोस्त सब है, ठीक है। तो उन्होंने मैसेज करके बोला था कि ओलिविया क्रीम का रिव्यू दीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या ओलिविया क्रीम, ओलिविया जो ब्लीच है, आपको गोरा करती या नहीं करती। तो सबका इसका जो आंसर है इस जो क्वेश्चन का, इसके अंदर ही लिखा हुआ है, और कोई भी ब्लीच हो, हर एक ब्लीच में लिखा होता है कि ब्लीच जो है वो गोरा नहीं करती। वो करती क्या, आपके जो फेस पे हेयर होते हैं उनका रंग लाइट कर देती। यहाँ बिल्कुल दोस्तों सुन रखा आपने, सही सुना। देखिए, हर किसी के फेस पे हेयर होते हैं, ठीक है, वो दिखते नहीं, जिनको बोलते हैं रुआ। ये बस कार्य क्या करती, उन हेयर को हल्का कर देती, उनका कलर हल्का कर देती, उनको ब्लीच कर देती। इसलिए आप हल्के गोरे हो सकते हो, और ब्लीच आपको गोरा नहीं बनाती बल्कि स्किन को पतला करती है। और अब बहुत सारे लोग जब ब्लीच यूज करते होंगे तो उनकी स्किन में जलन होने लगती होगी, तो ये कंपनी पहले से ही लिख के देती है आपको। मैं दिखाऊंगा, बहुत ही स्मार्टली लिखा होता है जिससे आप पढ़ नहीं सकते हो। तो ये सेंसिटिव चीज़ें होती हैं, और ये भले ही इन्होंने लिख दिया है कि ये एक हर्बल ब्लीच है, लेकिन इसके साथ साथ आप इंग्रीडियंट्स इनके पढ़ लीजिए, और इन्होंने क्या लिख रखा है उसको भी जरा गौर से पढ़िएगा। लिखा है ये जो ब्लीच है, ये एलोवेरा और नींबू वगैरह, इसमें नीचे यहाँ पे लिखा हो, इसके नीचे आइए कि ये जो है स्किन पे यूज करने से पहले आपको करना क्या है, अपनी बॉडी के किसी भी पार्ट में यूज करके देख लेना है। मतलब अगर देखो आयुर्वेदिक होती तो ये डायरेक्ट बोल देते कि आप अपने फेस पे यूज कर लो, बट ये आयुर्वेदिक नहीं है, हर्बल हर्बल इसमें इंग्रेडिएंट्स लिख रखे हैं, बट कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे ब्लीच का बेस होता है और ये जो पाउडर आता है मिक्सर जिसको बोलते हैं एक्टिवेटर, तो ये हर्बल नहीं होता है, ठीक है। तो आपको अगर कोई भी ब्लीच यूज कर रहे हो तो मिक्स करना है, आपको यहाँ पे स्कैल्प पे हाथों पे लगा के देख लेना है कि वो आपके मतलब कि फेस के लिए ठीक है या नहीं ठीक है। अगर आपके हाथों पे जलन हो रही है हल्की सी भी जलन हो रही है, तो उसको फेस पे अप्लाई मत करिएगा, ठीक है। तो यार ब्लीच में जो आपका क्वेश्चन था कि क्या ब्लीच आपको गोरा करती है, तो उसका आंसर है नहीं, ब्लीच आपको गोरा नहीं करती है। आपको गोरा करने के लिए मैंने क्रीमें बता रखी तो आप अपने चैनल पे जाके देख सकते हो, इस चैनल पे कई वीडियो मिल जाएंगे आपको कि कौन सी ऐसी क्रीमें आपको फेयरनेस देती है, ठीक है। सो नाम भी मैं बता दूं आप लोग को, बोलो वीडियो देखने के लिए, नाम नहीं बता रहा। तो इस क्रीम का नाम है स्किन प्रोटेक्टर क्रीम, आयुर्वेदिक क्रीम, मैं पिक डाल दूंगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो यार लाइक कर देना, उस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, टेक केयर।